हेलो स्टूडेंट, आई एम अभय फ्रॉम गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर एंड आशा नेसर इंग्लिश स्कूल. ओके, दिस इज कंप्यूटर साइंस क्लासेस. टुडे वी लर्न टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, दिस इज क्लास योर फोर्थ. स्टूडेंट, फर्स्ट वन वी नीड टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैप्टर इन योर बुक. ओके, दिस इज योर चैप्टर. द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, this chapter has been done, development of computer. Second chapter, types of computer, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे. थर्ड चैप्टर है मेमोरी. फोर्थ चैप्टर है मोर अबाउट विंडोज 7. फिफ्थ चैप्टर है मल्टीमीडिया. सिक्स चैप्टर है फॉर्मेटिंग इन MS Word 2010. सेवन्थ चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग टू MS PowerPoint 2010. एट्थ चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग टू नेटवर्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Types of computer. Okay, these are types of computer. First one, microcomputer or personal computer. Okay, second one, workstations. Third one, mini computer or mid-range computer. Fourth, mainframe computer. Fifth one, super computers. Okay, this is your types of computer. ये इतने तरीके के कंप्यूटर होते हैं. आपने अभी पढ़े 1 से लेके 5 तक. ओके, अब हम आपको बताते हैं 1 by 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट अस स्टडी 1 by 1. ओके, दिस इज माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर. दिस इज डेफिनेशन. दीज कंप्यूटर्स आर पॉपुलरली नोन एज PCs अमंग्स अदर कंप्यूटर सिस्टम. द माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट टाइप. Microcomputers have the following characteristic. Inside a microcomputer, there is a single microcomputer which is called a chip. It functions like a CPU. These computers have low storage capacity. These are designed as single user system that is only one person and use it at a time. Microcomputer. Okay. ये आपका माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये इस तरह से आपका ये है. जैसे आप लोग अपना फोन चलाते हैं स्टूडेंट, सेम आपका फोन जब चलाते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी फाइल सब कहाँ रखी हुई है. आपको कुछ भी प्ले करना होता है, कुछ भी वीडियो प्ले करना होता है, कुछ फाइल आपको सर्च करनी होती है, कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना होता है, तो ये आपका ये अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल फोन होता है. सेम एज यूजली इसमें भी पर्सनल कंप्यूटर होता है. ठीक है, ये आपकी डिफिनेशन है. ओके, अब डिफिनेशन के बाद एक मैंने ये यहाँ पे इमेज लगा रखी है. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कितने तरीके से कंप्यूटर सिस्टम आपका पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज होता है. ओके, देखिए फर्स्ट वन इसमें भी ये भी आइडेंटिफिकेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन. आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. इसमें देखिए माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चिप प्रोसेसर एट अ CPU. इसमें एक सिंगल चिप लगी होती है आपके CPU में, ठीक है, जो आपका प्रोसेस करती है. ठीक है, अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चिप प्रोसेसर एज इट CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. दीज कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल. ओके, इसका यूज क्या होता है. दीज कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन होम कंप्यूटिंग, एजुकेशन, मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, पर्सनल कंप्यूटर PCs, लैपटॉप, पैलमोटॉप कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट, इस तरह के जो आपके पीसी जो यूज होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में, अपने खुद के घर में चला रहे होंगे, आप फोन चला रहे होंगे, और ये सब आपके खुद के पर्सनल कंप्यूटर होते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फोन यूज करते हैं वो आपका पर्सनल यूज के लिए होता है, कोई भी आप चीज चलाते हैं वो आपका पर्सनल होता है. ठीक है, नाउ माइक्रो कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन आपका डेस्कटॉप है, सेकंड वन टैबलेट है, और थर्ड वन है नोटबुक और लैपटॉप. ओके, एंड दिस इज अ हैंडल. हैंडल दिस इज दिस मीन्स योर मोबाइल फोन. ओके,
टैबलेट पीसी आपने सब जानते ही हैं, और डेस्कटॉप भी, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं। जब भी आप कभी अगर आप देखते तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स की कितने किस तरह के टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे हम लोग इसे घर पे यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। डेफिनेशन आपने देख ली है पूरी इसकी, ठीक है। अब आते हैं नाउ सेकेंड चैप्टर, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन में, दिस इज अ वर्क स्टेशंस। ओके, ये आपकी डेफिनेशन है वर्क स्टेशन की। ये देखो, हम वर्क स्टेशन में आपने इमेज देख लगी हुई है, आप समझ सकते हैं इमेज में इसका कैसे वर्क हो रहा है। यहाँ पे सर्किल में आपने देखे होंगे यहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन्स बैठते हैं। तो अब वर्क स्टेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। वर्क स्टेशन आर स्पेशलाइज्ड सिंगल यूजर कंप्यूटर्स, दे हैव मेनी फीचर्स ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, ओके, बट विथ मोर प्रोसेसिंग पावर दीज कंप्यूटर हैव एडवांस पर प्रोसेसर्स एंड मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन पर्सनल कंप्यूटर, ओके। दीज पावरफुल कंप्यूटर आर पॉपुलर अमंग साइंटिस्ट, इंजीनियर, ग्राफिक्स आर्टिस्ट, एनिमेटर्स एंड प्रोग्रामर्स। देखो, इसमें दिखाया गया है लास्ट वाले जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे यहाँ पे इस कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट यूज करते हैं, इंजीनियर यूज करते हैं, ग्राफिक्स यूज करते हैं, एनिमेटर जो भी आप देखते होंगे, कार्टून वाली मूवी देखते हैं, कार एनिमेशन मूवी देखते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर्स इसे यूज करते हैं, जैसे कि आप वेबसाइट देख रहे होते हैं, यूट्यूब आप इस चैनल में देख रहे होते हैं, तो ये सब प्रोग्रामिंग का ही एक बेसिस होता है, ठीक है। ये वर्क स्टेशन का प्रोसेस होता है। कि वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन दैट मीन कि यू दीज पावरफुल कंप्यूटर्स आर पॉपुलर अमंग साइंटिस्ट, इंजीनियर, ग्राफिक आर्टिस्ट, एनिमेटर्स एंड प्रोग्रामर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, मिनी कंप्यूटर आर अ मिड रेंज कंप्यूटर, ओके, दे वर फर्स्ट रिलीज इन 1960। मिनी कंप्यूटर्स गॉट देयर नेम्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स टू दैट पीरियड, ठीक है। 1960 में रिलीज हुआ था ये पहला कंप्यूटर, और ये इतना छोटा था बाकी अदर्स कंप्यूटर के उससे कहीं ज्यादा छोटा था, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, आप समझ सकते हैं, जैसे आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इसमें आपने देखा होगा कि जो भी जनरेशन आ रही थी वो प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज्यादा एडवांस होकर के आ रही थी। तो सेम इसी तरह ये भी यहाँ पर है, दीज कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर एंड कैन सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। माइक्रो कंप्यूटर हैव लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, ओके। मिनी कंप्यूटर आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। ये एक सॉफ्ट इंडस्ट्री भी है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है, एयर टिकट रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है, आपने देखा होगा, और बैंकिंग के लिए यूज होता है, और सेक्टर सेक्टर के लिए यूज होता है, जैसे हॉस्पिटल में भी यूज होता है इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज हाई होती है। नेक्स्ट वन, द कैपेबिलिटीज ऑफ अ मिनी कंप्यूटर आर सो समवेयर बिटवीन मेन फ्रेम एंड पीसीज, दिस इज व्हाई मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर, ओके। आपको समझ में आ गया मिड रेंज कंप्यूटर किस क्या क्यों कहा जाता है। द कैपेबिलिटीज ऑफ मिनी कंप्यूटर आर समवेयर बिटवीन मेन फ्रेम एंड पीसीज, दिस इज व्हाई मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, ओके। द फर्स्ट पॉपुलर मिनी कंप्यूटर वॉज द PDP-8 लॉन्च इन 1965, ओके। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंप्यूटर रिलीज हुआ था 1960 में, जो इसका एडवांस और वर्जन यूज हुआ था, जो पॉपुलर हुआ था, PDP-8 लॉन्च इन 1965, ओके। इसे ध्यान रखेंगे, और ये आप एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा किस किस के लिए यूज होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए, यहाँ पे हमने एक इमेज लगा रखी है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप ऐसे होता है, लैपटॉप, पर्सनल, डिजिटल असिस्टेंट,
ये आपका फोन जैसे यूज होता है, ठीक है। मेन फ्रेम्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें और बहुत ज्यादा सर्किट होते हैं उसमें, और इस सिस्टम में ये बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। नोटबुक, स्मार्टफोन और एम्बेडेड, एम्बेडेड में आपके बहुत सारे कैमरा, डिजिटल कैमरा, एलईडी, ये सब वगैरह आ जाती है। फोन और आपकी कार्स वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्स वगैरह इसमें आपकी चिप लगी होती है जिसका यूज हम लोग आज के समय में करते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉमन यूज इन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, दे प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, एयरलाइंस, गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ओके, दे आर यूज एज अ स्पेशलाइज सर्वर। दीज कंप्यूटर नीड लो टेम्परेचर एंड अ स्पेशल डस्ट फ्री रूम। न्यूमरस कंप्यूटर आर टर्मिनल मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, द डेटा ऑफ ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर टर्मिनल्स, दैट मीन्स इज स्टोर्ड इन इट इन एक्ट एज द मेन मशीन फॉर ऑल कंप्यूटर्स। ओके, आप लोग इसे आप पढ़िएगा डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन में आपको जो भी इजिएस्ट वे से लर्न हो जाए आप उसे लर्न कर लीजिएगा। ये तीन तरीके डेफिनेशन दी गई हुई है, ये मत समझिएगा पूरा लर्न करना है, आपको जो भी इसमें इजी लगे आप वो लर्न कर लीजिएगा। हाँ, पढ़ने के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है। आप देखो इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये एडवांस है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एडवांस है प्रीवियस कंप्यूटर्स के। इसमें आपने पढ़ा है दे आर यूज एज अ स्पेशलाइज्ड सर्वर, इसका खुद का सर्वर होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वर होता है, प्राइवेट सर्वर होता है, पब्लिक सर्वर होता है, इस तरह के जो सर्वर होते हैं ये आपके स्पेशलाइज्ड खुद के सर्वर होते हैं, ठीक है। और ये दीज कंप्यूटर्स नीड लो टेम्परेचर एंड सोशल डस्ट फ्री रूम, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रखा जाए, नीड इसमें होती है लो टेम्परेचर की। ओके, डस्ट फ्री रूम। अब देखिए इसका ये एमएस, ठीक है, ये इस तरह से इसका एमएस होता है स्टूडेंट, और इसे किस तरह रखा जाता है, ठीक है, डस्ट फ्री रूम में। ओके, नाउ वी कमिंग फ्रॉम सुपर कंप्यूटर। ओके, वी कमिंग टू सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते होंगे आज के जमाने में सुपर कंप्यूटर का क्या प्रोसेस चल रहा है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड फिजिकली दे आर द लार्जेस्ट। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दीज कंप्यूटर्स इन मच मोर देन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट ऑल एंड कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन सेकेंड। ओके, द स्पीड एंड पावर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स मेक देम आइडियल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एक्सट्रीम कैलकुलेटिंग पावर्स। दे आर यूज इन हैंडलिंग कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन सच एज डिजाइनिंग सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट, वेदर फॉरकास्ट, न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। ओके गाइस, ये सब आपने सुपर कंप्यूटर्स का जब जो यूज होता है ये इन सब में, जैसे कि रिसर्च के लिए यूज होता है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का कितना ज़्यादा कहर है, तो आप इसे देख सकते हैं कि जो जो यूज़ हो रहा है मेडिसिन के लिए, जो यूज़ हो रहा है वो सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारी जो आपने आइकॉनिक गेम खेले होंगे, वर्ल्ड वॉर ऑफ क्राफ्ट, ये सब सुपर कंप्यूटर के ही उसमें प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। आप देखिए सुपर कंप्यूटर का एक ये भी यहाँ पे पॉइंट है, डेफिनेशन है, आपको अगर जो भी अच्छा लगता है कि इसे हम इसे लर्न कर सकते हैं तो आप उसको ना लर्न करके इसको भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पॉइंट है, इतने आप इसे लर्न कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस, ठीक है। ये आपके कैलकुलेशंस, जितनी भी बड़ी डिजिट होती उसे बहुत ही नैनो सेकेंड में आपका सोल्यूशन दे देता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स स्पीड इज मोर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ सेकेंड। ओके,
ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट कंप्यूटर। फोर्थ वन, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉस्टली इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ही महंगा होता है, ठीक है ऐसा। और फिफ्थ पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर आर मोस्टली पर्पस ब्यूट फॉर वन और अ फ्यू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल टास्क। ओके, ये किसी रीजन पे ये हम लोग इसे यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते सुपर कंप्यूटर में हम लोग गेम खेले, नहीं, हम लोग इसे किसी चीज पे रिसर्च के लिए लगाते हैं, जो इसकी कैलकुलेशन होती है स्टूडेंट वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, बिलियंस ऑफ बिलियंस में अगर कैलकुलेशन होती है तो विद इन अ सेकेंड में कर देता है, ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस का सारा यूज होता है। ये देखिए सुपर कंप्यूटर का एक तरह से ये रूम है, तो आप इसे देख सकते हैं ये कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, ये आपका यूएस वाला है, आप इसे देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर के ये ब्रांड है, ठीक है, ये मैंने इमेज लगा रखी है, आप इसे देख सकते हैं कैसे उसमें कौन कौन से ब्रांड है जो इसमें सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आप आ जाइए, ठीक है, क्रे 3600, हिटाची 81020, क्रे 390, पैम PARAM आर सम एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। PARAM पैम इज डेवलप्ड इन इंडिया, ओके। पैराम का फुल फॉर्म देख लीजिए, पैरेलल मशीन होती है, इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये CDAC के थ्रू ये डेवलप हुआ था, ओके। ये देखिए ये सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया के थ्रू ये डेवलप हुआ था, ठीक है, ये इंडिया ने डेवलप किया हुआ था, ठीक है। CDAC परम युवा टाटा CRL युवा, ओके। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम एक्सरसाइज, ओके। सो आप ये देखिए जो अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, इंडिया सुपर कंप्यूटर्स नेम, इंडिया का सुपर कंप्यूटर नेम क्या है, ठीक है, PARAM परम जो आपने पढ़ा था अभी, जस अभी पढ़ा हुआ है ये पैरेलल मशीन, ओके। और सेकंड वन, माइक्रो कंप्यूटर आर यूज फॉर, माइक्रो कंप्यूटर हम लोग किस लिए इसमें यूज करते थे, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए करते थे, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म क्या है, अभी आपने पढ़ा हुआ था, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ओके। फोर्थ वन है, सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लिकेटेड, किस लिए इसका यूज करते थे, मशीन के लिए, डिवाइसेस के लिए या एप्लीकेशन के लिए, ये इसका एप्लीकेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क होगा, इसे आपको खुद करना होगा, इसे मैंने आपको डेफिनेशन में पूरा बता दिया कि कैसे क्या प्रोसेस है, तो आप इसे कर सकते हैं, श्योर डैम श्योर आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, ये आप, ये भी आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट, ये ट्रू फॉल्स है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, आप इसे जरूर बता लेंगे, ठीक है। और री अरेंजमेंट वर्ड्स हैं जो कुछ मैंने इसमें इसका कर भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, इस तरह इसका यूज करा जाता है, जो जो वर्ड्स होते हैं आपने जंबो वर्ड सुना होगा, ठीक है, ये वो वर्ड है, ठीक है, जंबो वर्ड, ठीक है। इस चीज को हम लोग इसे क्लियरिफाई करते हैं कि इसका जो रियल मीनिंग निकल के आता है वो क्या है, जैसे आपका नेम है और आपका नेम में एक स्पेलिंग आगे और पीछे कर दी जाए इस तरह, तो जो हम इसका सही वर्ड निकालते हैं वो उसका जंबो वर्ड आता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रीअरेंज वर्ड, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। और ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये हाउ आर कंप्यूटर्स, फर्स्ट वन इज हाउ आर कंप्यूटर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर शेप एंड साइज, ओके। और इसका ये आंसर आपका ये है, इसका मैंने आंसर कर दिया हुआ है, इसका आंसर आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी ग्रुप इंटू सिक्स मेजर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू साइज, ओके, ईच कैटेगरीज एक्सेल एट अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है।
फर्स्ट वन आपका सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन आपका मेन फ्रेम्स है, थर्ड वन है मिनी कंप्यूटर है, फोर्थ वन पर्सनल कंप्यूटर, फिफ्थ वन एम्बेडेड सिस्टम। ये आपने अभी पढ़ा हुआ है। नाउ सेकंड में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर। मेन फ्रेम्स अभी आपने पढ़ा हुआ है, मेन फ्रेम देख लीजिए, ये डेफिनेशन है, द टर्म्स मेन फ्रेम कंप्यूटर इज यूज टू डिस्क्रिश वेरी लार्ज कंप्यूटर यूज बाई इंस्टीट्यूशन टू सर्व मल्टीपल यूज फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर यूज बाई इंडिविजुअल मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली मच मोर डेटा दैन अ टिपिकल इंडिविजुअल नीड्स टू वर्क विद ऑन हिज और हर ओन कंप्यूटर। ठीक है, या मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसा इसका प्रोसेस होता है, वर्क स्टेशन भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप सुपर कंप्यूटर भी पढ़ लिया है, ये भी आपने पढ़ लिया लेकिन आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ा इसका। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ये देखिए वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन, व्हाट इज वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर अ सिंगल यूजर एंड हैज एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड अ पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे दो तरीके से डेफिनेशन दी गई हुई है, आप जो इसे लिख सकते हैं वो लिखिएगा। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या है, अ वर्क स्टेशन इज मोर कैपेबल देन अ पर्सनल कंप्यूटर पीसीज बट इज लेस एडवांस देन अ मिड रेंज कंप्यूटर विच कैन मैनेज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पेरिफेरल पीसीज अ वर्क स्टेशन एंड हैंडल इमेंस data processing and reporting task. Okay, the term workstation is also sometimes ascribed to dumb terminal that is without any processing capacity that are connected to mainframe computer. Okay, ये आपका student definition difference है जो भी आप question में था। ठीक है, micro computer का और mini computer का। ठीक है, फर्स्ट वन आपका माइक्रो कंप्यूटर में क्या उसमें डिफरेंस है जो कि मिनी कंप्यूटर में नहीं है, और मिनी कंप्यूटर में क्या ऐसा है जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं है। सुनिएगा, द माइक्रो कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस इन नियरली 1970। ठीक है, ये 1970 में आया था और ये 1960 में आया था। ठीक है, सेकेंड वन ऑफ्टन यूजेस एट होम ऑफिस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, आपको समझ में आ गया कहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है, सेकेंड वन इसका क्या है मिनी कंप्यूटर में, इट इज ऑफ्टन यूज इन ह्यूज बिजनेस एंड डिपार्टमेंट। ये बिजनेस एंड डिपार्टमेंट ये यूज होता है, और ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह जैसे होम ऑफिस और एजुकेशनल की तरह पर्पज में यूज होता है। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ वन प्रोसेसर। थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, जनरली कंसिस्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, मेमोरी प्रेजेंट इन MB और इसमें मेमोरी प्रेजेंट इन GB। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज अ स्मॉल साइज कंप्यूटर और इसमें इट इज अ लार्ज साइज कंप्यूटर। ओके, ये आपका डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस अब में आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर वर ओरिजिनली यूज इन एप्लीकेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स डिजाइन एंड क्रिप्टोग्राफी। स्टूडेंट, ये जो सुपर कंप्यूटर जो यूज होता है ये हायर देन हायर थिंग्स लिए यूज होता है। ठीक है, और आपको पता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ये सिर्फ रिसर्च के लिए यूज होता है। ठीक है, इसे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं ले सकता। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डाउट जरूर पूछेगा इसमें, और मैं इसका जवाब भी जरूर दूंगा। ठीक है, आई एम डैम श्योर, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, कि जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।